करवा चौथ यानी पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाला व्रत। छंद्योग उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। करवा चौथ का यह व्रत हर सुहागिन स्त्री रखती है ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो और वह स्वस्थ रहे। व्रत की यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। कहते हैं कि यह व्रत देवताओं की पत्नियों ने भी रखा था, और तो और महाभारत काल में भी इस व्रत का प्रसंग मिलता है। अब बात करें कोरोना की, तो कोरोना काल में कल अखंड सुहाग के लिए बुधवार को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को 16 श्रृंगार करके माँ गौरी, भगवान शंकर, गणेश व कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, दीप आदि का अर्पित करके करवा चौथ कथा का पाठ करेंगी। साथ ही चंद्र को अर्घ्य देकर पति को छलनी से देखने के बाद व्रत का पारण करेंगी। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत से व्रती महिलाओं की पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य पुत्र पौत्र के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। परंपरा अनुसार सास बहुओं को सर्गी भेंट करेंगी, बहू सर्गी के प्रसाद को ग्रहण करके व्रत रखेंगी। तो चलिए जानते हैं महिलाओं से कि कोरोना काल में करवा चौथ की क्या क्या तैयारियाँ की हैं। मैम आपका नाम? रश्मि शर्मा। मैम कोरोना टाइम पे करवा चौथ पे आपकी क्या क्या तैयारियाँ? पहले से तो मतलब उतनी पहले की तरह तो नहीं है, जैसे कि मार्केट में जाना, इतना शॉपिंग करना, वो सब उतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, हमारी अपनी तरफ से अच्छी ही है, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि उतनी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फास्ट ऑब्वियसली, और करवा चौथ एक बार साल में आता तो अच्छे से अपना वही करेंगे, जितना हो पाएगा उतना अपना कर रहे हैं अच्छे से हम लोग। एक्चुअली कोविड के चलते इस बार कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ फिर भी फेस्टिव है हम इंडियंस का, तो उसको लेके एक्साइटेड तो है। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वही पूजा एंड ऑल ये तो करेंगे ही, बाकी तो इतना कुछ खास तो नहीं। करवा चौथ इस बार हमारी ऐसे खास तैयारी नहीं है, घर पे ही हम लोग पूजा वगैरह करेंगे और घर पे ही करेंगे। बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं है कि बाहर जाकर उसको सेलिब्रेट करेंगे। शॉपिंग बहुत ज़्यादा कुछ खास शॉपिंग नहीं की है, जो पहले से ऑलरेडी घर में है उसी से ही हम लोग कर रहे हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी नहीं की है करवा चौथ की। देखिए कोरोना टाइम को लेकर अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, पर जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल अब बिल्कुल डल हो चुकी है, क्योंकि जो पहले शॉपिंग करते थे वो बिल्कुल अब बिल्कुल जीरो से हो गई है। बस थोड़ा बहुत शॉपिंग करी और ये, और पार्लर में भी थोड़ी बहुत इतनी होती है कि जैसे बस फेशियल कराया और मेहंदी वगैरह की, जो पहले एक्साइटमेंट थी वो अब बिल्कुल नहीं रही है। तैयारी थोड़ी प्रिकॉशंस में रह के करनी पड़ती है, जैसे शॉपिंग करनी है तो फिर मार्केट में जाने में जैसे वर्ष सोचना पड़ता है, तो कर तो रहे हैं बट ऐसे नहीं कर रहे जैसे पहले एक्साइट होकर करते थे। कोरोना टाइम में भी महिलाओं की पूरी तैयारियां हो गई हैं, बाजार सज चुके हैं, शॉपिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है, अब बस इंतज़ार है तो करवा चौथ के दिन का। साक्षी नेगी, ABNN TV।